हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हॉरर जंक्शन में। और आज मैं आपको बताऊंगा शनिवारवाड़ा फोर्ट की सच्ची कहानी। आइए जानते हैं इसे और करीब से। शनिवारवाड़ा फोर्ट राजस्थान के पुणे में स्थित है। इसे इंडिया के सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। शनिवारवाड़ा को 17वीं शताब्दी में शनिवार के दिन 10 जनवरी 1730 में बनवाया गया था, इसलिए इसका नाम शनिवारवाड़ा पड़ गया। इस किले में एक साथ 1000 लोग रह सकते थे। इस महल को बनवाने में 16,110 रुपये लगे थे। इस महल में कुल 5 दरवाजे हैं। दिल्ली दरवाज़ा, मस्तानी दरवाज़ा, खिड़की दरवाज़ा, नारायण दरवाज़ा और गणेश दरवाज़ा। सन 1818 में यह महल पेशवाओं के पास ही रहा। सन 1828 में इस महल में आग लग गई और पूरा शनिवारवाड़ा जलकर राख हो गया। आज तक कोई नहीं जान सका कि वो आग कैसे लगी थी। इस किले में 30 अगस्त सन 1773 की रात को 17 साल के नारायण राव, जो कि सिर्फ 16 साल की उम्र में ही मराठा साम्राज्य के 5वें पेशवा बने। इनके पिता पेशवा नाना साहेब के 3 बेटे थे, विश्वराव, महादेव राव और नारायण राव। नारायण राव के सबसे बड़े भाई पानीपत की 3री लड़ाई में मारे गए थे। इसके बाद महादेव राव को गद्दी पर बैठाया गया। अब महादेव राव पर पूरी जिम्मेदारी थी लड़ाई की, लेकिन लड़ाई में उनकी हार हो गई और 7,000 सैनिक मारे गए। और साथ ही साथ उनका भाई विश्वराव भी उस लड़ाई में मारा गया। इसके बाद इस सब का जिम्मेदार महादेव राव खुद को मानने लगे और काफ़ी तनाव में रहने लगे, जिसके चलते उनकी किसी बीमारी से मौत हो गई और अब नारायण राव को गद्दी पर बैठाया गया। पर इस फैसले से नारायण राव के काका रघोबा और काकी आनंदीबाई नाराज़ हो गई। रघोबा अब गद्दी हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने गद्दी के मुखिया सुमर सिंह को एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था नारायण राव ला धरा, जिसका मतलब था नारायण राव को नज़रबंद करवा दिया जाए। लेकिन इस सब का पता नारायण राव को चल गया और उसने पत्र भेजने से पहले ही रघोबा को घर से नज़रबंद करवा दिया, जिससे आनंदीबाई का गुस्सा अब नफरत में बदल गया और आनंदीबाई ने उस पत्र का एक अक्षर बदल कर उस पत्र में लिख दिया नारायण राव ला मारा, जिसका मतलब था नारायण राव को मार दो। पत्र मिलते ही गर्दियों का एक समूह रात को चुपके से नारायण राव के कमरे में घुस गया और उन पर हमला कर दिया। नारायण राव अपनी जान बचाते हुए अपने काका रघोबा के कमरे की तरफ भागने लगे और भागते हुए वो बोल रहे थे, काका माला बचाओ, काका माला बचाओ, जिसका मतलब था काका मुझे बचा लो। लेकिन उनके वहाँ पहुँचने से पहले ही गर्दियों ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें मार दिया। गर्दियों ने उनके शरीर के टुकड़े करके एक बोरी में भर दिए और उस बोरी को उसी रात नदी में फेंक दिया। कहते हैं कि इस सब के बाद अमावस की रात को नारायण राव के आखिरी शब्द किले में गूंजते हैं, काका माला बचाओ। किले के आसपास रहने वाले लोगों का मानना है कि हर रात इस किले में नारायण राव की दर्द भरी चीख सुनाई देती है।